भी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो, क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, विभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ब्रजभूषण जी, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है कि आप फेडरेशन के अधिकारी के साथ तो दो घंटा लगेगा, तो दो घंटा बैठूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल एक करके आराम आराम से पूछ ले, कोई वो नहीं है। ब्रजभूषण जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप न सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाए। एक सवाल रखिए, कोई जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-130 किलोमीटर है, मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में एक बार या दो बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य है, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सके, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है, तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए, तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा। यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको दो बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा, और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आप नहीं, ये जो जैसे 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 जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रहे, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई, और यहां तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एग्जीक्यूटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है,
अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है। और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा, एक ये हो गया, दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में। जैसे देखिए, कोई भी नेशनल कराता, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं, और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल है, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम लग बना दिया, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए, तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी तो वजन तोड़ना पड़ता है, वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली, कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो, आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया एक हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो आप, मैं देश सुन रहा है इसमें मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए, हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी ये सत्य है, और 2 टीम हरियाणा की नहीं लड़ती थी, 2 टीम लड़ती थी, जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो सेकंड आती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो तीसरे स्थान पर रहते थे उनकी भी 2 टीम लड़ती थी। हम लोगों ने महसूस किया इससे नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, जो कमजोर राज्य है उनके खिलाड़ियों को मेडल नहीं आ रहा है, बिहार है, झारखंड है, झारखंड को तो आ जाता है, कमजोर राज्य है, तो वो इतने दिन से गेम कर रहे हैं तो उनका भी तो मेडल आना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम, तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है, तो हरियाणा का नुकसान ना हो। अगर हम 1 खिलाड़ी ही हरियाणा का लड़ाएंगे तो इसका मतलब कि हमने हरियाणा के साथ पक्षपात किया, क्योंकि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि अब कितना ही खिलाड़ी जाकर के लड़ सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट नेशनल जब मैंने कराया तो 61% मेडल केवल हरियाणा के गए हैं, 61% मेडल, 39% में पूरा देश है 61% में, तो ये हरियाणा का भी नुकसान नहीं हुआ। अब उनके खिलाड़ी आ गए, उनको भी हम कैंप में लेते हैं, उनको भी हम ट्रायल का मौका देते हैं। दूसरा, इन लोगों का आरोप है कि मनमानी करते हैं, हम कोई मनमानी नहीं करते हैं, हमारा दरवाजा खुला रहता है, हम सबसे बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भी एक हफ्ता पहले बात करके गए हैं, यही बात करके गए हैं, साक्षी मलिक बात करके गई है, विनेश फोकाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। 1 पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है,
तो क्या वो जो लड़के नए लड़के जो चाहे वो किसी प्रांत के हों चाहे हरियाणा के ही हों जो गार्जियन इस दिन जिनसे किनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं क्या उनको सबको रोक दिया जाए केवल आपको मौका दिया जाए? तो मतलब आरोप झूठे हैं, मौका नहीं दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए झूठे आरोप लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जान को खतरा है, उन्होंने कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। फेडरेशन की तरफ से जब वो पीएम मोदी से मिलकर आई थी तो आप नाखुश थे और फेडरेशन के कुछ लोगों ने उनको फोन करके जान से मारने की धमकियां दी। आपका नाम नहीं हमने पूछा भी, आपने दिया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से आया है उनके पास। देखिए फेडरेशन में दो तीन लोग काम करते हैं, एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी है, ठीक है, एक दो उनके सहायक और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया और आज जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछ रहा हूं, जो आरोप लगा एक करके आपका कहना सारे आरोप झूठे हैं। सीधा सवाल है, जो ट्रायल साहब बोल रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप मानते हैं सारे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों, क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या कोर्ट में जाएंगे? देखिए ऐसा है, पहले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है, अध्यक्ष है, सामने सामने वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष है, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापिस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो, बजरंग ही लीड कर रहा था, मैंने बजरंग से बात करा दो, वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई, इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनंद फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनंद फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनंद फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूँ। रहा सवाल यौन शोषण, नहीं हुआ कोई यौन शोषण, जैसे नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी आपको नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो, देखिए अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग फेडरेशन बनी थी, उस रेसलिंग फेडरेशन में हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे। उस रेसलिंग फेडरेशन का एक आदमी आज धरने पर भी बैठा था जो इसको लीड कर रहा था। नाम बताइए, नाम तो बताया सर, जब आपका नाम सब सामने सामने, तीरथ राणा, तीरथ राणा बैठा था, तीरथ राणा यहां पर बैठा था। और ये लोग नेशनल टीम, और वो जो टीम बनी थी वो संदीप सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी और उन्होंने ट्रायल भी कराए थे अपने कि हमारी टीम सेलेक्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने WFI के टीम जो थी उसको उन्होंने मान्यता दिया। और इसको लेकर के एक शिकायत मेरी पहले भी की जा चुकी है कि हम रेसलिंग फेडरेशन को, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता दे दी। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो, तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना। अंतोगत्ता सरकार ने
रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर? कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है? आपको लगता है रेसलर झूठ बोल रहे हैं? ये आप सर झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं रेसलर झूठ बोल रहे हैं? सर सवाल ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है, उससे जुड़े हुए उद्योग? देखिए हाथ तो है, यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे। आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था, देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई है। परसों तक तो जो ये करता था, आवाज इतना बड़ा हुआ। और ये तो बता दीजिए ना, कौन हो सकता है, जो कौन है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।